375 meters, that's 4. The largest barrage is 375 meters. It has no protein associated with it. It has no gene associated with it. Nothing. It's only that's the case. And that is a lot of physics. I said 2 minutes. I just said 2 minutes. Yeah. Okay. Now, what happens is that there is another, if you look at Howard, there is another pathogen from the hepatitis delta virus. So this is important. Okay, hepatitis delta virus. Hepatitis delta virus has got two regions. It's got a region from where it replicates, and it has a region from where it holds for the delta antigen that causes the hepatitis. Fine. Now, the part from which it replicates resembles, has a very high homology with the viroids infecting plants. So this, the hepatitis delta virus, is therefore one of, is taken as an example of the first coming together of an autonomously replicating RNA and a coding RNA. So it goes from one part, it replicates from the other. Okay, that's, it is. And so that's the virus first story. Of course, the three domains of life that we know, you have the bacteria, the archaea, they are both prokaryotic. You have the eukaryotes, which are both eukaryotic. Now, what we really do not know is where we are. Okay? The viruses, we absolutely are still at a loss as to where it could place them. Acellular, no metabolism, no cellular structure. What do we do with that? Okay? I will end here. Thank you so much. As we were going through the lecture, a very interesting lecture by given by Professor Vivek Prasad, I would like to get the attention of Dr. Prasad also. There is a popular saying in English that every day, even the darkest cloud has got silver lining. Professor Prasad's lecture was originally slated much earlier. लेकिन जब ये लेक्चर दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि जब प्रदीप प्रसाद ने लेक्चर किया था तो सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा थी तो उनकी स्लाइड का कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था पर्दों की कमी थी प्रोफेसर विवेक प्रसाद का लेक्चर बहुत डिटेल हो गया जो है वो कंट्रास्ट बहुत अच्छा हो गया क्योंकि सूर्य की रोशनी कम हो गई तो देखने वालों को स्लाइड की क्वालिटी का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़िया लगा जो है ये चीज मैं यहाँ से देख रहा था और शायद आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और जैसे कि मैंने बताया कि 1920 की लखनऊ यूनिवर्सिटी है 1920 की 100 साल की और 1951 से लेकर 2020 तक प्रोफेसर विवेक प्रसाद और उनके फादर जो है बॉटनी में ज्ञान की गंगा बहा रहे ये कितनी बड़ी बात है कितनी अच्छी बात है कितने फख्र की बात है और मैं बायोकेमिस्ट्री में हूँ और न्यू बॉटनी बिल्कुल बायल में है तो हम लोग का डिपार्टमेंट हम लोगों का दिल जुड़ा हुआ है प्रोफेसर विवेक प्रसाद के फादर भी यहाँ से रिटायर हुए मेरे फादर भी यहाँ से रिटायर हुए तो हमारे इनके बीच में बहुत सारा सामंजस्य है तो आज जो लेक्चर्स हुए प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव उनके बारे में कहना तो सूरज को चेहरा दिखाना है क्या कहें हजारों लेक्चर उन्होंने दे डाले कॉन्टिनेंट्स में लोग कंट्री में नहीं दे पाते उन्होंने कॉन्टिनेंट्स पे लेक्चर दिए साइंस टून जैसी विधा बनाई और आप देखिए कि उनके जैसे लेक्चर का आदमी भी डॉक्टर अखिला का लेक्चर और डॉक्टर विवेक प्रसाद का लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठा रहा बड़े लोग आते हैं अपना लेक्चर दे के तुरंत मोमेंटो शॉल लेके चले जाते हैं मोमेंटो शॉल लेने वाले भी उनके दो लोग पीछे चलते हैं लेकिन आप देखिए कि इन लोगों की क्या जनरोसिटी है डॉक्टर आर मेहरोत्रा भी लिक्विड नाइट्रोजन शो पे लेक्चर देंगे बहुत शानदार लेक्चर होगा मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जब यहाँ आए तो उसका लेक्चर भी जरूर सुनिए अखिला साहब ने बड़ी हैप्पीनेस यहाँ पे फैलाई आज गवर्नर मैडम ने हैप्पीनेस लैब का जो है वो इनॉग्रेशन किया मालवीय ऑडिटोरियम में कन्वोकेशन में और नेचर से हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे मिली कि अखिला साहब ने बताया सीमैप से जो हमारे लिंक है हमने आपको पहले ही बताया और विवेक प्रसाद साहब ने भी बड़ा शानदार लेक्चर किया एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल आदमी है अब तो नहीं रह गए लेकिन पहले तो थे वो खुद भी उस वायरस से नहीं बच सके वो कहते हैं अमेरिका 15 साल तक जो है वो अपनी पब्लिक को फ्री में खिला सकता है 3 महीने में अमेरिका की इकोनॉमी डूब गई तो COVID-19 पैंडेमिक में होने के बाद जो हनुमान जी का मंदिर सामने है हनुमान सेतु का सिंगा खोले खड़े हुए हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड हनुमान की हम लोग ऑफलाइन इतना बड़ा साइंस फेस्टिवल जो गुरु जी राय साहब बता रहे थे कि 100 साल में नहीं हुआ जो है और जब हम लोग यहाँ आए थे आज कन्वोकेशन सेरेमनी के बाद किसी रेजिडेंस से और नृत्य नाटिकाएं चल रही थी तो कला के प्रांगण में विज्ञान की गंगा बह रही थी कैसी गजब की चीज है गंगा जमुनी सरस्वती जिसके लिए तहजीब हमारे लखनऊ जाना जाता है तो अब इसके बाद
मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर राजीव पांडे से कि वो मंच पे आए और विवेक प्रसाद जी को भी लेके आए और शॉल पहना के हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बिहाफ पे उनका सम्मान करें जो है। ये देखिए जो पिता पुत्र सब बॉटनी डिपार्टमेंट की सेवा की जो है, कितनी सेवा की और कितना अच्छा काम किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से गुजरना चाहिए ये पंडाल। और संघर्ष जी मुझे लगता है कि इनके फोटो और वीडियो बढ़िया बढ़िया बनेंगे। और मैं प्रोफेसर एस एन पांडे और प्रोफेसर विभूति राय दोनों से कहूंगा कि वो मंच पे आए और पांडे जी आप ही आगे आइए, आपके विभागीय सहयोगी यानी कहेंगे कि विभाग में आप पीछे रह गए हुए और मोमेंटो दे करके इनको प्रोफेसर विभूति राय और विवेक प्रसाद को सम्मानित करें और तालियां बजती रहनी थी। तो ये जो व्याख्यान की श्रृंखला है थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज कन्वोकेशन था, आप लोग जानते हैं गवर्नर मैडम आई थी, तो कल से टाइम से ही होगा, हम लोग इंश्योर करेंगे। लेकिन ये लेक्चर हुए बड़े शानदार लेक्चर हुए, आगाज बहुत अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। और मैं आप सभी लोग आभारी हूँ जो इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे और लेक्चर का आनंद उठाया। आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा, तुलसी से लेकर के सीमैप से लेकर के और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, साइंस रूम की बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जैसे में कुछ बच्चे बैठने के लिए तैयार हैं, अभी मैं कुछ कहने को बुला रहा हूँ। थोड़ा सा 10 मिनट का प्रोग्राम है, ये बच्चे अपना बहुत सुंदर से तैयार बैठे हुए हैं, तो यदि हो सके